यहाँ पे अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। परिक्रमा में जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर आयुर्वेदिक तेल लगाया जा रहा है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी। फ्लीकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। गंगा नहाए तीर्थ किए किया कुंभ स्नान फिर भी मिटते नहीं मेरे गुनाहों के निशान। राम जी मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को सीकर। जल को सीकर पर बहुत बहुत स्वागत है। जय किसान बेरो की सेक्वाटी के अंदर जो है वो 24 कोशीय परिक्रमा चल रही है। अंतिम पड़ाव अभी भी को है और अभी जगह श्रद्धालु ही वह सौभाग्यवती धाम पहुँच गए ही और वहाँ चेहरे पर जगह खुशी है बात देखने लायक है। जन्माष्टमी से यह 24 कोशीय परिक्रमा चालू हुआ है। अमावस्या परी को एंड हो जाए है। महादेव की बात करें कि कृपा जी की श्रद्धालुओं के ऊपर हो रही है। मौसम शानदार कर दिया गया है। बीच बीच में रिमझिम बारिश जगह हो रही है ताकि श्रद्धालु जगह ही वह गर्मी भी बात नहीं लगे। बहुत ज़्यादा खुशी है बात करें कि सौभाग्यवती धाम जो है प्लासना ग्राम पंचायत के अंदर आवा है और उ गंगा माता को मंदिर भी उरा है और अभी जो कहे उरा राम दरबार शिव दरबार भी स्थापित करे गया ही। और ये जो को सौभाग्यवती धाम है उरा है बताया जाए कि लगभग 20 साल पहले एक नदी भी बहाया करती लेकिन अभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से जो वह नदी अभी आनी बंद होगी है। और ये धाम की बात करें कि उरा का महंत बता रहे हैं कि बहुत ही प्राचीन काल से है 24 कोशीय परिक्रमा जी की है वह लगातार यही चल रही है और उरा रात में विश्राम करने के बाद में सुबह जगह श्रद्धालु ही आगे के लिए रवाना होगा। भंडारा वगैरह उरा चालू रहा है। प्रशासन के द्वारा 24 घंटा मेडिकल टीम जो कि उड़ रहा है मेडिकल किट सबके लिए तैयार रहे। कोई भी अगर श्रद्धालु का कोई दिक्कत है कोई चोट लागी कोई सूजन है कोई मोच वगैरह आ गई है तो पूरी सुविधा जो कि है बस श्रद्धालुओं के लिए बात करें कि प्रशासन हो चाहे बड़े का लोग हो एक तरह से राजा की तरह बनकर आवाभगत कर रहे हैं। ज़्यादा खुश जगह श्रद्धालु ही और अब उड़ा पूछने के बाद में वो जाएंगे तस्वीर के अंदर देख पा रहे हो कि आस्था से जो है वो जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो जाए जब आदमी 24 कोशीय परिक्रमा के अंदर जा है। हाँ आप लोग यहाँ इस घाटी में कितने दिनों से यात्रा कर रहे हो? 3 दिन से। कितने सालों से आप यह यात्रा कर रहे हो? 5 साल होगी लगातार। क्या आप लोगों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं? घुटनों के दर्द दूर हो जाते हैं। आपको कैसा लगता है ये यात्रा करके? बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से होकर और फिर वापस परिक्रमा कैसे पूरी होती है? लोहागढ़ से चलते हैं चिरणा होते हुए सोभावती कोट काला खेता सोभावती वापिस। कहाँ से हो आप लोग? मैं चूड़ी तीर्थगढ़ से हूँ। आप चूड़ी तीर्थगढ़। आप लोग? और ये यहाँ पर परिक्रमा में जो लोग बाग आ रहे हैं उनके ऊपर आयुर्वेदिक तेल लगाया जा रहा है। जय भोले बाबा रामदास जी महाराज की जय। जय भोले बाबा रघुनाथ जी महाराज की जय। जय भोले सबके दरबार की जय। जय भोले महादेव बाबा की जय। जय भोले नरसिंह भगवान की जय। जय भोले गंगा माई की जय। और ये यहाँ पर जो मशीन है अत्याधुनिक उसके द्वारा लोगों को पैरों के तेल लगाकर और फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस प्रकार से मसाज की जा रही है। यहाँ पर ये जो एक अद्भुत मशीन है इस मशीन के द्वारा पैरों में दर्द को दूर किया जा रहा है जो घाटी से विभिन्न लोग चलकर आ रहे हैं। और ये यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्लड है उसके सर्कुलेशन के लिए वाइब्रेटर मशीन रहती है जो लोगों के पूरी बॉडी में एक रिलीफ प्रदान करती है। यहाँ पर अलग अलग लोग जो लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था की गई है तो 24 परिक्रमा में लोग बाग आते हैं जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है। भंडारों में लोगों के लिए अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं और ये हलवाई इधर कार्य कर रहे हैं जो लोगों के लिए अलग अलग पकवान बना रहे हैं। और 24 कोशी परिक्रमा में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग व्यंजन बनाने का कार्य चल रहा है। इस सौभाग्यवती धाम में ये अलग अलग कार्यकर्ताओं द्वारा ये पूरी टी बनाने का कार्य चल रहा है। पूरे पकवान बनने के बाद में अलग अलग श्रद्धालुओं को ये परोसा जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा। पहाड़ियों में बसा हुआ यह अद्भुत सौभाग्यवती धाम 24 कोशी परिक्रमा में आने वाले प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोग आकर अपनी तरह तरह की मन्नतें मांगकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं और आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक अलग अलग जगह भंडारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मंदिर का स्थल है। वर्तमान महंत रद्दा जी महाराज जयरामदास जी महाराज धर्मलीन हो चुके हैं। गंगा माता का प्राचीन मंदिर जो यहाँ बहुत काफी सालों से विद्यमान है और ये महाराज यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ का प्राचीन शिवलिंग
तो काफी वर्षों से यहाँ पर विद्यमान है। राधे कृष्ण का ये नया नया मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। राम दरबार का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें अनेकों श्रद्धालु अपने श्रद्धानुसार दर्शन करते हैं। यहाँ पर दुर्गा माता का भी एक मंदिर स्थापित किया गया है, स्थापना की गई है शिव परिवार के साथ। युवाओं एवं पुरुषों हेतु ये नया कुंड यहाँ पर बनाया गया है, परिक्रमा के लोगों के लिए। जय रामदास बाबा जी की समाधि बनी हुई है और पूर्व महंत की समाधि है। ये श्रद्धालु लोग है जो मंदिर का दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मेला तो चल रहा है, मानो में मेला लगता है अष्टमी से लेकर अमावस्या तक चलता है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं प्रतिमा विकास जैसे, और इसमें कई प्रकार की बीमारियाँ दुख तकलीफ दूर होती हैं प्रतिमा करने से। अपनी जिसकी जैसी भावनाएँ होती हैं मुझे वो जीवन तक पूरी हो। यहाँ पर प्राचीन कुंड है, पुराना कुंड है, भागवती का आशीर्वाद मिलता है। अभी राम दरबार की स्थापना हुई है, नया मंदिर बनाया है, नया कुंड बनाया है। लोग बाग आते हैं, स्नान करते हैं अपनी मन्नत है, एक रात का यहाँ पड़ा होता है। वीडियो ने पूरा देखना था ना क्या लगा कि थे भी अगर थे जिंदगी में चॉइस कोशिश परिक्रमा करी है, और या फिर अगर थे वीडियो देखने के बाद में थारे भी मन में इच्छा है चॉइस कोशिश परिक्रमा करने की, तो थारी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर दीजिए, करने की घंटी को निशान है वो भी दबा दीजिए, ताकि हमारा आवने लिखना आता मिल जाए। जल को सीकर के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।